कोई मिल गया, रेडी और गदर जैसी फिल्मों में काम कर चुके वरिष्ठ अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी नहीं रहे। दिल की बीमारी के चलते 3 अगस्त की शाम को उनका निधन हो गया। लखनऊ के रहने वाले मिथिलेश ने अपने शहर में ही आखिरी सांस ली। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कुछ समय पहले हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ शिफ्ट किया गया था ताकि वो रिकवर हो सके। मिथिलेश के देहांत की खबर उनके दामाद आशीष चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने लिखा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे। आपने मुझे दामाद नहीं बल्कि एक बेटे की तरह प्रेम दिया। भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मिथिलेश ने 90s में अपने सिनेमाई सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने आहट, CID और कुमकुम जैसे टीवी शोज में काम किया। रामगोपाल वर्मा की सत्या उनकी पहली मेजर फिल्म थी। फिल्म में उन्होंने बिल्डर मल्होत्रा का रोल निभाया था। सत्या के अलावा अशोका द ग्रेट, किसना और कोई मिल गया जैसी फिल्मों में उन्होंने शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे कलाकारों के साथ काम किया। कोई मिल गया से उनका और ऋतिक का एक सीन फिल्म के फेमस सीन्स में से एक है। फिल्म में वो ऋतिक के कंप्यूटर टीचर बने थे। टीवी शोज, फिल्मों और दर्जनों विज्ञापनों में काम करने के बाद उन्होंने वेब सीरीज का रुख भी किया। 2020 में आई वेब सीरीज स्कैम 1992 में उन्होंने राम जेठमलानी का किरदार निभाया था। सीरीज के डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी मिथिलेश चतुर्वेदी के निधन की खबर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। उन्होंने अपनी स्टोरी पर लिखा, रेस्ट इन पीस मिथिलेश जी। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर गुलाबो सिताबो उनकी आखिरी फीचर फिल्म थी।